लास्ट है अपना थेरोफाइट्स। थेरोफाइट्स के अंदर ऐसे प्लांट आते हैं जो एक फेवरेबल सीजन में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, यानी कि इसके अंदर सीजनल प्लांट्स आते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपका सीजनल प्लांट्स आते हैं और ये अपनी लाइफ साइकिल को एक फेवरेबल सीजन में कंप्लीट करते हैं। वन फेवरेबल सीजन में कंप्लीट करेंगे, देन बाकी का जो सीजन इनके अकॉर्डिंग अनफेवरेबल बचता है उसमें ये प्लांट सीड के फॉर्म में डोरमेंट स्टेज में रहते हैं, ठीक है। डोरमेंट यानी कि उस टाइम पर एक्टिव है लेकिन अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, इसलिए ये हम बोल सकते हैं कि सीड के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं ये सीड जर्मिनेट होके दोबारा से न्यू यंग प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये जो प्लांट है इसके अंदर थेरोफाइट्स के अंदर सीजनल प्लांट्स आते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को एक फेवरेबल सीजन में, एक साल में एक फेवरेबल सीजन में कंप्लीट करेंगे, देन बाकी के रेस्ट अनफेवरेबल सीजन में सीड के फॉर्म में ये रहते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं आपके रॉनकायर लाइफ फॉर्म में। टोटल 5 टाइप्स में रॉनकायर ने इन प्लांट्स को डिवाइड किया है, इनके ग्रोथ फॉर्म के बेसिस पर, इनके सीड्स अरेंजमेंट के बेसिस पर, इनके सोमैटिक स्ट्रक्चर के बेसिस पर। तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है। रॉनकायर लाइफ फॉर्म आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टर में आएगा, जबकि क्वांटिटेटिव कैरेक्टर में फ्रिक्वेंसी डेंसिटी अबंडेंस ये आएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है स्ट्रक्चर नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी इकोलॉजी। मैंने अपनी तरफ से करवा दिया है लेकिन आप लोग सेटिस्फाई नहीं हैं, तो मैं आपको उसके लिए कल क्लास दूंगी। तब तक आप अपना ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको पूछ लेना टेक्स्ट करके, और अच्छे से तैयारी करो अपने एग्ज़ाम की। चाहे आपका एग्ज़ाम हो या ना हो, लेकिन आप लोग क्योंकि एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से तैयारी करिए, जिससे कुछ भी आपको आगे चल के डाउट ना रहे, क्योंकि इन 2 सालों में आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी, और एग्ज़ाम अगर होता है तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है।